फैमिली वेलकम टू चैनल। मैं हूँ शैली, आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ वैशाली मित्रा के फैशन डोज पे। सो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। जो लुक्स हैं वो बहुत अमेजिंग है। जब भी आप इनको कैरी करोगे, इसमें से कोई सी भी लुक पिक कर लो, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। यस, कॉम्प्लीमेंट वर्ड दी आज हॉल होने वाला है हैशटैग पंगा सीरीज और पैटर्न सीरीज, जो कि फ्यूजन रहेगा और समर्स के लिए, और मैं तो कहूँगी किसी भी सीज़न के लिए। अगर आपको जहाँ पे गर्मी लगती है ना और आपको कुछ लाइट और स्टाइलिश पहनना है, डू चेक इट आउट स्टार्ट टू एंड तक पूरा वीडियो। ओके, सारे ही आउटफिट, बैग, ब्लेजर सेट, ड्रेस, टॉप, एवरीथिंग इज़ फ्रॉम मीशो। सभी के कोड एंड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, प्लीज़ चेकआउट कर लेना। और मोस्टली पीसेज ब्रांडेड हैं और अच्छे सेलर से हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट टू एंड तक पूरा से देना, क्योंकि आज का जो ये मेकअप लुक है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है, मिनिमल है, मतलब आप ऑफिस में भी ट्राई कर सकते हो। सो इसके लिए पूरा वीडियो देखना, आज शेयर करूँगी। जो पहला चीज़ है जो मेरे सामने रखी हुई है, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इट्स अ ब्यूटिफुल ट्रेडिशनल बैग। ट्रेडिशनल बैग इन द सेंस, मतलब इस पर जो ये जो प्रिंट हो रखा है ना फैब्रिक पे, ये बहुत ही ट्रेडिशनल है, जो कि आपको इस वक्त दिख रहा होगा इस तरीके से ना। यहाँ पे जिप की तरह जस्ट ऐसी शो के लिए लगाया हुआ है। यहाँ पे ये टिक टैक वाला मैग्नेटिक क्लोजर है अंदर, जो ये लगाया हुआ है प्यू मटेरियल, ये भी ब्राउन कलर का है तो अच्छा लगता है। अंदर आपको दो कंपार्टमेंट मिल जाते हैं विद गुड क्वालिटी ऑफ जिप। अंदर बहुत सारा इस तरीके से पेपर है। अंदर की तरफ मैं देख लेती हूँ, अंदर कोई भी जिप या एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट नहीं है, यही दो कंपार्टमेंट्स इसमें दिए हुए हैं। इसके अंदर आपको बैक में जिप मिल जाती है एंड इसका स्ट्रिंग काफ़ी अच्छा है। जैसे कि मैंने ये भी लास्ट पे थोड़ा सा ऊंचा किया हुआ है, तो ये शोल्डर के लिए एकदम परफेक्ट है। आप चाहो तो उसको स्लिंग बैग भी बना सकते हो लंबा करके। चलो जी, नेक्स्ट लुक पर मूव करते हैं, मतलब नेक्स्ट आइटम पर, विच इज़ अ पिंक ड्रेस। ओ माय गॉड, जब मैंने ड्रेस पहना, मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ था कि ये मैंने मीशो से क्रैक कर लिया है। लिटरली मैं बहुत खुश थी। इट्स ब्यूटिफुल शफीली या प्रॉपर चिकनकारी ड्रेस। ओ माय गॉड, लुक एट द पिंक कलर, द बार्बी पिंक कलर। मतलब इतना ज़्यादा इस वक्त लोगों पर बुखार चढ़ा हुआ है बार्बी का, तो मैंने सोचा एक तो मैं भी शेयर करूँगी आपके साथ। सो वी नेक लाइन पे है, यहाँ पे ना एक प्लीट दिया हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल 100% कॉटन मटेरियल में है। स्लीव पर कोई भी लाइनिंग नहीं है, स्लीव के एंड पर इलास्टिक दिया हुआ है एंड इस पूरी ड्रेस के अंदर लाइनिंग आपको प्रोवाइड करी गई है, वो भी सॉफ्ट मलमल कॉटन की। ऊपर वाला पूरा ड्रेस कॉटन का है, अंदर सॉफ्ट मलमल की कॉटन की लाइनिंग है। आई जस्ट लव इट। इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड पर पॉकेट भी मिल रही है, मतलब और क्या चाहिए भाई। सो मस्ट हैव, 100% वैशाली अप्रूव्ड। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी इस वाली ड्रेस को तो स्टाइल करने वाली हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पिक्चर्स। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है वैशाली मित्रा, जहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जल्दी से चेक कर लेना। तो चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ, ये लुक मैंने बहुत ही कम प्राइस के प्रोडक्ट्स के साथ बहुत कम टाइम में ईजिली कैसे अचीव किया है। बट अब मेकअप करते हैं ना, तो गर्मियों में और ऐसा ह्यूमिड वाला वेदर और बहुत अजीबोगरीब वेदर हो रखा है बहुत सारी सिटीज़ में, मेकअप करने से पहले चार बार सोचना पड़ता है ये निकल जाएगा, बज हो जाएगा, स्मज हो जाएगा, देन हम क्या करेंगे। सो मैं एक टेस्ट करने वाली हूँ यहाँ पर, ट्रांसफर प्रूफ मेकअप टेस्ट, ठीक है, स्वेट प्रूफ भी आप बोल सकते हो। उसके लिए जो हीरो है वो है ये NYBA का सेटिंग स्प्रे। ये आई थिंक मेरी 5th और 6th बॉटल है, ये भी इतनी ख़त्म हो चुकी है, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। देखो, मेकअप तो स्टे करने में हेल्प करता है, प्लस स्किन को हाइड्रेट रखता है, विद इन ग्लो आपका लगता है कि स्किन बहुत हेल्दी है। सो ट्राई करना, मैं आपको दिखाती हूँ मैं इसको कैसे ट्राई करती हूँ, चलिए देख लेते हैं क्लिप। सो ये है मेरा बेयर फेस, फिलहाल मुझे कुछ एक्ने हो गए हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अपने ही दोस्त हैं, आना जाना लगा ही रहता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने अपनी स्किन को प्रेप कर लिया था, अच्छे से मॉइस्चराइज़र वगैरह सब कुछ लगा लिया था जो मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ। देन उसके बाद मैंने NYBA का 3-in-1 फाउंडेशन यूज़ किया है। जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं सब स्क्रीन पर दिखा रही हूँ और सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं। पर्पल वेबसाइट से बाय करेंगे तो आपको बहुत अमेजिंग डिस्काउंट मिल जाते हैं, प्लस बहुत सारे फ्री गिफ्ट्स भी मिल जाते हैं। मैंने बहुत बार ऐसी डील क्रैक की है, तो आप भी चेक कर लेना। सो
सो फाउंडेशन के बाद ना मुझे हल्का सा ब्राउन लिड चाहिए थे, तो मैंने इसका NYB का सिर्फ ब्राउन काजल लिया है, उसको अपनी लिड पर लगाया है, देन उसको ब्लेंड कर लिया है जहाँ तक मुझे रिक्वायर्ड है। तो आप देख सकते हो लिड पे ना अच्छा खासा एक ब्राउन कलर आ गया है और ये स्टे भी काफ़ी टाइम तक करता है क्योंकि मैंने कि लाइनर के मदद से किया है। काजल के लिए भी मैंने ब्राउन वाला ही यूज़ किया है कि ये ना ज़्यादा नेचुरल लगता है जब आप डे लाइट में स्पेशली कहीं भी बाहर निकलते हैं ना, ब्राउन काजल बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है इंडियन स्किन टोन पर, मैं तो रेगुलरली लगा रही हूँ। देन ब्लैक लाइनर लिया है जो कि सिंपल मैं एक लाइनर क्रिएट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा विंगशिंग नहीं है ताकि ये ईजी रहे और सब लगा सके। देन उसके बाद मैंने यूज़ किया है क्रेम ब्लश, इससे भी बहुत विदिन वाला जो ब्लशी इफेक्ट है ना वो आता है, बहुत अच्छा लगता है ये। मेरा टेक्निक इस तरीके का है, मैं डायरेक्टली नहीं लगाती हूँ, अगर आपसे भी ब्लश कंट्रोल नहीं होता है कई बार तो आप ऐसे कर सकते हैं, अपने हाथ पर आप थोड़ा सा ले लीजिए, उसको हल्का सा ब्लेंड करो, देन ब्रश से उठा के उसको अपनी स्किन पर बिल्डअप करना शुरू करो, इससे हेल्प रहती है, मतलब आपके हाथ में कंट्रोल रहता है प्रोडक्ट के ऊपर। ये कंप्लीट कर लिया, देन हम आते हैं लिपस्टिक में। लिपस्टिक में भी मैंने यहाँ पे एक छोटू सा एक्सपेरिमेंट किया है, दो शेड्स को मिला लिया है क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा डीप नहीं चाहिए था, बहुत ज़्यादा लाइट ब्राउन नहीं चाहिए था, तो मैंने ऊपर और नीचे डिफरेंट डिफरेंट शेड लगा के अपना कस्टमाइज शेड बना लिया जो कि मैं हमेशा करती हूँ और ये शेड मुझे बहुत पसंद है। नेक्स्ट मूविंग टू द फाइनल स्टेप विच इज़ सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे में अच्छे से लगा ले रही हूँ, देन उसके बाद मैंने उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। 10 टू 15 सेकेंड्स लगते हैं, ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है और आपके मेकअप को उसकी जगह पर फिक्स कर देता है। देन लुक एट दिस, मैंने एक क्लीन टिश्यू अपने फेस पर लगाया है एंड कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, सो ये साबित कर देता है कि ये मेकअप ट्रांसफर प्रूफ हो गया है। सो अगर आप लोगों को भी ऐसा ही लुक चाहिए, डेली में लगाना चाहते हो, डू इट, आप आराम से कर सकते हो। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, चेकआउट कर लीजिएगा। यही तो मेरा फाइनल लुक। सो देखा आपने, सिंपल एंड बजट फ्रेंडली लुक। चलो जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लुक पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है एक बहुत ही प्रिटी कॉटन बाग प्रिंट का टॉप, ये है जयपुर मोनी ब्रांड से, ये ब्रांड मिंत्रा पर अवेलेबल है, आप चेक करना, वहाँ पे ना प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं, बट मीशो पर ये बहुत अमेजिंग प्राइजेस में अवेलेबल है। ये देखो बाग प्रिंट में फ्रंट देखो कितना खूबसूरत है, टॉप टू बॉटम जो इसके बटन्स आप देख रहे हो सारे ही फंक्शनेबल हैं, सो फीडिंग मदर्स भी इसको ले सकती हैं। यहाँ पर ये डिज़ाइन बहुत सुंदर दिया हुआ है प्रिंसेस कट में, जितना खूबसूरत ये फ्रंट से है उतना ही खूबसूरत ये बैक से भी है। ये देखो अच्छा खासा आपका हिप कवर करता है कॉटन टॉप, अगर आप रेगुलर बेसिस पे पहनते हो ट्राई करना, बहुत ही सुंदर नीट एंड क्लीन एंड क्वालिटी इसकी एकदम टॉप नॉच है। यहाँ पर टैसल लगे हुए हैं, आई जस्ट लव दिस टॉप यार, डेनिम जीन्स के साथ ये बहुत खूबसूरत लगेगा, ट्राई करना। सभी के कोड्स डिस्क्रिप्शन में, मतलब सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो मैंने पहना हुआ है, ये अमेजिंग काफ्तान टॉप, ओ माई गॉड, आई थिंक ये डेगडब ब्रांड से है, ये बहुत खूबसूरत है, 100% ऑर्गेनिक कॉटन विथ ऑर्गेनिक डाई के साथ, पोलका डॉट में वी नेकलाइन है, फ्रंट पर डोरी दी हुई है, हालांकि इलास्टिक भी दी हुई है, इससे ना इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। प्लस सबसे अच्छा जो इसमें मुझे चीज़ लगी वो है इसकी बैक पर इलास्टिक। काफ्तान जब आप पहन लेते हैं फ्रंट से तो आप एडजस्ट कर सकते हो, बैक से समझ में नहीं आता वो कैसा दिख रहा है, बट बैक में इलास्टिक देने की वजह से इसकी ऑल ओवर लुक बहुत खूबसूरत आ रही है, बहुत स्मार्ट आ रही है। इसको भी आप डेनिम्स के साथ पहनो, बहुत स्मार्ट लगेगा। इसके साथ जो मैंने बॉटम पहना है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, वो भी आई थिंक डेगडब ब्रांड से ही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, येस ये दोनों सेम ब्रांड से हैं, मैंने एक साथ ही मंगवाए थे और मैं इनके और भी बहुत सारे पीसेस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये भी आई थिंक मिंत्रा पर अवेलेबल है, फुल्ली इलास्टिकेटेड बैंड है, कॉटन मटेरियल पर पैंट, लुक एट दिस ब्यूटिफुल अजरक प्रिंट एंड इसमें आपको पॉकेट मिल जाती है विच इज़ अ ग्रेट पार्ट। टेपर्ड फिट में ये पैंट है और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा था। आप चाहे तो इसके ऊपर कोई भी वाइट टी शर्ट या वाइट शर्ट भी पहन सकते हैं, ओपन करके अंदर आप स्पेगेटी या टैंक टॉप पहन लो तब भी ये लुक बहुत खूबसूरत आएगी। इनमें से आप कोई भी लुक ट्राई करो, प्लीज़ 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 मेरे साथ अपनी फोटोग्राफ शेयर करना, चाहे तो आप मेरे को मेल कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना या मुझे टैग कर देना ताकि वो जो पोस्ट है वो मुझे जल्दी से मिल जाए।
चलो जी मूव करते हैं नेक्स्ट लुक पर। नेक्स्ट लुक के लिए मैं शेयर करूंगी एक बहुत अमेजिंग ड्रेस जो कि है एलोरा ब्रांड से। एलोरा ब्रांड वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड जो कि वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, बहुत सारी वेबसाइट्स पर है। लुक एट दिस ब्यूटिफुल स्ट्राइप ड्रेस जिसको आप अपने ऑफिस में भी कैरी कर सकते हो, इतना खूबसूरत है ये ड्रेस। यहाँ पर अंगरखा स्टाइल है बट यहाँ पे ना एक बटन दिया हुआ है वुडन का, ये फंक्शनेबल नहीं है, जस्ट लुक के लिए है। फ्रंट पर एक प्लीट दी हुई है, बॉक्स प्लीट, जिससे इसका लुक बहुत अच्छा था। यहाँ से यहाँ तक एक बॉक्स प्लीट बनाई हुई है, दोनों साइड आपको पॉकेट मिल जाती है, ईजिली एक्सेसिबल। इसमें मेरा साइज़ लार्ज है बाय द वे, सभी आउटफिट में जो अभी तक मैंने आपको दिखाए हैं सभी में मेरा साइज़ लार्ज है। ये देखो अमेजिंग ड्रेस, लुक एट द कलर, लुक एट द स्ट्राइप्स, 100% कॉटन मटेरियल, कम्फर्टेबल इन एनी वेदर। चलो जी मूव करते हैं नेक्स्ट लुक पे। और नेक्स्ट लुक में अगेन मैं आपके साथ एक बहुत अमेजिंग टॉप शेयर करने वाली हूँ जो है ब्रांड फैब्रिक फितूर से। ये भी अवेलेबल है Amazon, Myntra सभी जगह पर, और ये ओरिजिनल सेलर का ही ये देखो टॉप है। इस तरीके से ब्लैक एंड वाइट ब्लैक चेक है, और इसका जो पिस्ता ग्रीन काइंड ऑफ कलर होता है ना, सॉरी नॉट ग्रीन, इट्स ग्रे, ग्रे एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में, मतलब ऐसा ही कलर है। और फ्रंट टू टॉप टू बॉटम इसके बटन जो है फंक्शनेबल है, ये भी आपका हिप कवर करता है। इसके स्लीव के एंड पे बहुत सुंदर ब्लैक कॉटन के ही फ्रिल्स लगाए हुए हैं, 100% कॉटन मटेरियल का ये टॉप है। इसको आप ब्लैक पैंट्स के साथ या फिर इसको भी आप डेनिम्स के साथ पहन सकते हो, क्यूलॉट्स के साथ स्टाइल करना बहुत अच्छा लगेगा। जो इसके साथ मैंने ब्लैक पैंट पहना हुआ है, ये मैंने रिसेंट अपना जो बॉटम वेयर का हॉल है उसमें शेयर किया था, उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, मेरे चैनल पर थोड़ा सा समय बिताओ सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और जो मैंने फर्स्ट वाले टॉप के साथ जो बॉटम पहना था वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वो है शो स्टॉपर जिसके लिए सभी वेट कर रहे हैं। लुक एट दिस ब्यूटीफुल ब्लेजर सेट, ये भी है डेक्ड अप ब्रांड से। और इनके साथ जो मैंने शूज़ पहने हुए हैं वो एक्चुअली ड्यून लंडन ब्रांड से है, उसका एक रील मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट ऑलरेडी किया हुआ है, आप उसको अजियो से बाय कर सकते हो। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट अगर आप ट्राई करना चाहते हो देन गो फॉर इट, बहुत स्मार्ट लगते हैं। इसमें मैंने अपना साइज लार्ज ही पिक किया है, 100% कॉटन ब्लेजर विद ब्यूटिफुल प्रिंट। ये देखो इंडियन और देसी प्रिंट की बात ही अलग है, और इस ब्लेज़र का फिट इतना खूबसूरत आ रहा था। मेरे पास और भी बहुत एक्सपेंसिव ब्लेजर्स भी हैं, उनके भी फिट उतने प्यारे नहीं आते जितने इसके आ रहे थे। सच में यार, इट्स अ मस्ट हैव, अगर आपको ये स्टॉक में मिल जाए एक बार ट्राई ज़रूर करना मेरी रिकमेंडेशन पे। और अगर ये स्टॉक आउट हो गया है, वेट फॉर इट, बहुत जल्दी स्टॉक इन होता रहता है। ये देखो फ्रंट एंड ये है बैक, स्टिचिंग फिटिंग विज फैब्यूलस। आई थिंक इसमें पॉकेट, ओके पॉकेट नहीं है, नेवर माइंड, इतना प्यारा सूट है यार इतने अफोर्डेबल प्राइस में। इसका जो पैंट है वो सेमी इलास्टिक बैंड के साथ मिलेगा, एंड इसमें आपको राइट हैंड साइड पर पॉकेट मिल रही है, टेपर्ड फिट में इसका पैंट है, टेपर्ड से थोड़ा सा ब्रॉड है, एग्जैक्टली टेपर्ड वाली फिट नहीं आती है और एकदम स्ट्रेट वाली भी नहीं आती है, बहुत अमेजिंग फिट है। यहाँ पर पहना हुआ आप देख रहे हैं, और इसके अंदर जो मैंने टैंक टॉप पहना हुआ है वो H&M से है, उसको भी मैं बहुत जल्दी एक रील में इंक्लूड करने वाली हूँ इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर एक बार चेक कर लेना। चलिए यही था आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को आज के वीडियो में मज़ा आया होगा। आज के जितने भी मेकअप प्रोडक्ट हैं जो मैंने आज का लुक क्रिएट करने के लिए यूज़ किए थे, उन सभी का लिंक ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, चेक कर लेना क्योंकि आने वाले हैं फेस्टिवल। चलिए यही था आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए स्टे चिपक के।